गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री का दो चैप्टर खत्म कर लिया है पहला चैप्टर था भारत भारत भौगोलिक खोज और दूसरा चैप्टर था अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम तीसरा चैप्टर है फ्रांस की क्रांति क्या है फ्रांस की क्रांति ये अत्यंत आवश्यक चैप्टर है अगर कोई वर्ल्ड जियोग्राफी वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है तो वो फ्रांस की क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यह अनेक कारणों से बहुत इम्पोर्टेंट है पहला कि जो हम लोग आज जिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी मतलब जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग रन करवा रहे हैं वो किस तरह आया उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है फ्रांस की क्रांति ये डिक्टेटरशिप से डायरेक्ट राजतंत्र से लोकतंत्र में आना संभव हो पाया तो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांस की क्रांति के कारण ही हो पाया लोग जागरूक हुए क्या हुआ लोग जागरूक हुए लोगों को पता चला कि हम अपना शासक स्वयं चुनेंगे क्या करेंगे कि हम अपना शासक स्वयं चुनेंगे जो हम पर शासन करेगा अगर वो हमारे वेलफेयर का, का काम नहीं करेगा तो उसे हम हटा देंगे जो हमारी भलाई का काम नहीं करेगा उस शासक को हम लोग हटा देंगे ये सब इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन का देन है जो डेमोक्रेसी शब्द का हम लोग यूज सुनते हैं ये इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण आया था तो इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग यहाँ पर डील कर लेंगे एम सी क्यू रॉन्ग आंसर नहीं केवल एम सी क्यू जो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट है जो संभावना है जिसकी आपके एग्जाम में आने की संभावना क्या हंड्रेड परसेंट कन्फर्म है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमारा पहला वन है कि आ, फ्रांस की राज क्रांति किस ईसा किस ईस्वी में हुई थी कब हुई थी तो 1789 में इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 में 1789 में क्या हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था कब 1789 में दूसरा हमारा प्रश्न है कि बैस्टील का पतन कब हुआ बैस्टील का पतन कब हुआ पतन मतलब विनाश या खत्म कब हुआ 5 मई 1789 को 20 जून 1789 को 14 जुलाई 1789 को या अगस्त 1789 इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्टीन जुलाई फोर्टींथ जुलाई 1789 को कब फोर्टींथ जुलाई 1789 को इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रथम स्टेट में कौन आते थे प्रथम स्टेट में कौन आते थे ऑप्शन में हमारा सर्वसाधारण दूसरा किसान तीसरा है पादरी कौन है तीसरा पादरी चौथा राजा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पादरी पादरी बोलते हैं जैसे कि फ्रेंच जो ये ईसाई धर्म होता है ईसाई धर्म में जो सबसे ऊंचा होता है सबसे ऊंचा कहने का शेष मतलब जो पूजा पाठ करवाता है फ्रेंच, 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 फ्रेंच ईसाई धर्म में उसको पादरी बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको पादरी द्वितीय स्टेट में कौन आते थे जो फ्रांस था उसमें स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया गया था जो पादरी ग्रुप अलग था सेकंड स्टेट अलग था सेकंड स्टेट में कौन आता था तो कुलीन वर्ग आता था कौन सा कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट में था सेकंड क्लास कौन था कुलीन वर्ग सेकंड कुलीन वर्ग था थर्ड स्टेट में कौन आते थे तो थर्ड स्टेट में दर्शनिक आते थे कुलीन आते थे पादरी आते थे या न्यायधीश आते थे इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायधीश थर्ड क्लास में कौन था जजेस या न्यायाधीश छठा नंबर प्रश्न है कि विश्व का संपादक कौन था दिद्रोह वाल्टियर रुश्चो या माउंट स्क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा दिद्रो दिद्रो ने विश्व संपादक का प्रमुख था विश्वकोश को संपादक कौन था दि दिद्रो, दिद्रो. जेकोविन दल का प्रसिद्ध नेता था जो लॉक मैक्स मिलियन रॉक्सपियो दिद्रो या नेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मियल मिलियन रोबर रौ, जेकोविन क्लब था क्लब बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन में जाना जेकोविन क्लब क्या था तो जेकोविन क्लब का प्रसिद्ध नेता थे कौन मैक्स मेलियन रॉब्सपियर मैक्स मिलियन रॉब्सपियर बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन थे लीडर थे किसका जेकोविन दल या जेकोविन क्लब का स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व किनारा किस क्रांति में दिया गया था स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस समानता इक्वालिटी बंधुत्व ब्रदरहुड का नारा किस क्रांति में दिया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिसी क्रांति में राइट आंसर भी हो जाएगा फ्रांसिसी क्रांति में क्या दिया था स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस समानता इक्वालिटी या लिबर्टी ये नारा किस क्रांति में दिया था तो ये फ्रांस रेवोल्यूशन में या फ्रेंच रेवोल्यूशन में दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में दिया गया था ये सब नारे नौवा नंबर प्रश्न है कि मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई थी सत इसका ऑप्शन है कि 27 अगस्त 1789 को 25 अगस्त 1789 को 20 अगस्त 1789 को या 27 अगस्त 1788 को इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव नागरिकों को अधिकार की घोषणा की गई थी कब 27 अगस्त याद कर लीजिए 27 अगस्त 1789 दसवां नंबर प्रश्न है हमारा शक्ति के पृथककरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया माउंट ने वाल्टेयर ने रुशो ने या दिदरो ने इसका राइट आंसर हो जाएगा मैट्स क्यू ने मैट्स क्यू ने शक्ति के पृथककरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था क्या शक्ति के पृथककरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था चौदहवा नंबर का प्रश्न है कि दी कॉन्स्टैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे लॉक या नेकर? इसका हो जाएगा नामक पुस्तक किसने लिखी थी रूसो ने किसने अब उस रूसो को मत समझिएगा जो डब्ल्यू डब्ल्यू में लड़ता क्या आप उस उसको नहीं समझिएगा कि जो डब्ल्यू डब्ल्यू में लड़ता है यह दूसरा रूसो है बारवा नंबर प्रश्न है कि नेशनल असेंबली के लिए मतदाता का अधिक अधिकार मिला सक्रिय नागरिकों को निष्क्रिय नागरिकों को महिलाओं को राज परिवार के सदस्यों को इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय नागरिक को नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला किसको सक्रिय नागरिकों को बारहवा नंबर में प्रश्न किया कि नेशनल असेंबली के मतदाता का अधिकार मिला सक्रिय नागरिकों को 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का की शासन व्यवस्था लागू की गई उदार तानाशाही निरंकुश राजतंत्र सैनिक तानाशाही या गणतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा गणतांत्रिक व्यवस्था या आप रिपब्लिक डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं रिपब्लिकन भी बोल सकते हैं क्वेश्चन है हमारा कि नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया 179 सेवेंटीन uh, 17, में 1801 में 1804 में या 1815 में इसका राइट right आंसर हो जाएगा 1804 में नेपोलियन कोड लागू किया गया था क्या नेपोलियन कोड कब लागू किया 1804 में कब 1804 में नेपोलियन कोड को लागू किया गया था पंद्रहवा नंबर प्रश्न है कि फ्रांसीसी उपनिवेश के निवेश में अंतिम रूप में, तो में, 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 में।, में।, में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त हुआ तो 1840 में, 1848 में अठारह सौ 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेश में अंतिम रूप में दास प्रथा कब अंत हुआ अठारह में कब अंत हुआ था अठारह अड़तालीस में थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा अजीब लग रहा बोल रहे हैं तो इसलिए बार बार पानी पी रहे हैं। चलिए सुल्होनम प्रश्न प्रश्न देखते हैं कि फ्रांस फ्रांस क्रांति के पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था चर्च का राजा का कुलीनों का सैनिकों का स्क्राइट आंसर हो जाएगा चर्च का जो फ्रांस की क्रांति के पहले फ्रांस में जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड अधिकार थे वो कौन लेता था चर्च के द्वारा लिया गया था चर्च के द्वारा लिया जाता था तो चर्च चर्च बोलता था उसी के हिसाब से फ्रांस की एजुकेशन पॉलिसी रन करती थी लुइस सोलाह को गि, गिल, गिलेटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया स्टेटस जनरल ने ने, डायरेक्टरी ने या नेशनल असेंबली ने इसका उत्तर हो जाएगा कॉन्वेशन ने क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लुइस सोलाहा कौन था तो लुईस सोलाहा फ्रांस का राजा था क्या था फ्रांस का राजा था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था फ्रांस की क्रांति जब हुई थी फ्रांस में उस समय का शासनकाल चल रहा था इसको आप पढ़िएगा तब को बहुत इंटरेस्ट लगेगा कि फ्रांस का रेवोल्यूशन किस लिए हुआ था क्या क्या कारण थे किस प्रकार यह आगे बढ़ा और इस रेवोल्यूशन से क्या लाभ हुआ केवल फ्रांस को लाभ हुआ कि विश्व को इस रेवोल्यूशन से क्या लाभ हुआ इसके बारे में हम लोग अगर आप इस बुक के एनसीईआरटी बुक को पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा प्रश्न देखते हैं फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पर पड़ा तो सबसे अधिक फ्रांस से रिलेटेड या फ्रेंच से सबसे बेटर रिश्ता किसका था किस शासक का फ्रेंच के साथ सबसे बेटर रिश्ता था तो वह था किसका टिपू सुल्तान का या मैसूर वंश का सबसे बढ़िया नाता था मैसूर डायनेस्टी का मैसूर का जो राजा थे उनका बहुत ये अच्छा रिलेशन था किसके साथ ए, फ्रेंच के साथ फ्रांस के साथ फ्रांस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो इसको हम लोग देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हो कौन कौन सा राजा आंसर क्या हो जाएगा टीपू सुल्तान आप जानते होंगे कि टीपू सुल्तान कहां का शासक था कहां का शासक था मैसूर का शासक था कहां का मैशूर राजवंश का शासक था ओलाटियर क्या था वैज्ञानिक लेखक या शिल्पकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लेखक था कौन था लेखक सी। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था समाजवाद का जनता की इच्छा का शक्ति पृथककरण का निर, निरंकुशता का इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता की इच्छा का रुशो, जो रूसो था वो जनता की इच्छा का सिद्धांत का ये था फॉलोअर था या मतलब सपोर्टिव था सपोर्ट करता था एक ईश्वर प्रश्न है कि मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी सामाजिक संविधा विविध की आत्मा दास कैपिटल या ज्ञान राइट आंसर हो जाएगा विधि की आत्मा क्या विधि की आत्मा किसने लिखा था तो मॉन्टेस्क्यू ने किसने मॉन्टेस्क्यू ने बाईसवा नंबर प्रश्न है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था इसके पहले हमने प्रश्न में बताया था या इस चैप्टर को स्टार्टिंग करते वक्त ही हमने बताया था आपको कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था कब तो 1789 में तो उस समय फ्रांस में लुइस सिक्सटीन नामक राजा का राज था किसका लुइस सिक्सटीन नामक राजा का राज्य था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लुइस सिक्सटीन तो लुइस सिक्सटीन कैसे लिखा था लुइस दस हो गया पांच हो गया एक हो गया यही हो गया लुई सिक्सटीन ऐसा कहाँ लिखा हुआ? सी सी राइट हो जाएगा लुई सिक्सटीन अगर आपको रोमन में लिखने आता होगा रोमन नंबर जानते होंगे कि रोमन में संख्या को कैसे दर्शाया जाता है कैसे उसको काउंट किया जाता है किस तरह लिखा जाता है तो आप इसको आप नहीं भूलिएगा किसका मतलब सिक्सटीन होता है कितना का एक्स आई प्रश्न है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है चार जुलाई को चौदह जुलाई को 27 अगस्त को 21 जुलाई को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चौदह जुलाई को चौदह जुलाई को क्या किया जाता है फ्रेंच में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है फ्रेंच इंडिपेंडेंस डे कब चौदह जुलाई अगर मैं यही आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है इसको आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है और किस वर्ष भारत स्वतंत्र हुआ था और किससे स्वतंत्र हुआ था ये सब आप लोग इन सब का जवाब आप लोग किस में देंगे हमें कमेंट्स में दीजिएगा जिसका जिसका इसका हमको प्राप्त होगा उनको मैं वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा या यहाँ पर नाम उनका लिख दूंगा कि इस बच्चे ने इसका राइट आंसर दिया है इसके पहले भी मैंने एक प्रश्न दिया था आपको शायद 24वां मनो प्रश्न है कि फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग यानी स्टेट में विभक्त था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चार वर्ग में तीन वर्ग में दो वर्ग में पांच वर्ग में इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन वर्ग में फर्स्ट स्टेट में कौन था सेकंड स्टेट में कौन था और थर्ड स्टेट में कौन था फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट तीनों को मैंने आपको यहीं पर बताया है पच्चीसवा प्रश्न है कि राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी भी संस्था थी स्टेट्स जनरल्स, पार्लमा गिल्ड और पॉप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पार्लमा पार्लमा से ही जाकर पार्लियामेंट बना क्या पार्लमा से ही जाकर पार्लियामेंट बना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी छब्बीसवा नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि भ्रष्ट को नष्ट कर दो दिदरों ने या इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्टेयर ने क्या वाल्टेयर नामक व्यक्ति ने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का लीडर था इसने बताया था कि भ्रष्ट गिरजो को यानी जो भ्रष्ट गिरजाघर थे यानी चर्च थे उनको डिमोलिश कर दिया जाए क्या किया जाए डिमोलिश कर दिया जाए नष्ट कर दिया जाए सताइस नंबर प्रश्न बोलता है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी तो ऑप्शन में 1688, में, 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 1688, में. 1688 में, कहा हुआ था इंग्लैंड में प्रश्न बोलता है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था धार्मिक क्रांति सामवंती क्रांति बुर्जुआ क्रांति या सर्वहार क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्जुआ क्रांति फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था बुर्जुआ क्रांति का बुर्जुआ क्रांति राइट आंसर हो जाएगा सी। 29 नंबर प्रश्न बोलता है कि आतंक राज्य की स्थापना किसने की की? थी आतंक राज्य तो ऑप्शन में क्या क्या हमारा <coughs> लफायते रॉक्स पियर ने मिरान, मिरा मिरा मिराब्दो ने या मैक्स मिलियन ने इसका राइट आंसर हो जाएगा पियर ने पियर ने आतंक राज की स्थापना की थी तीसवा नंबर हमारा प्रश्न है क्या तीसवा प्रश्न है उसको पहले हम मिटा लेते फिर तीसवा नंबर प्रश्न पढ़ते हैं फ्रांस की राजकीय क्रांति उत्पन्न राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका शत्रु बना दिया मित्र बना दिया, दिया आश्रित बना दिया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र बना दिया क्या मित्र बना दिया फ्रांस की जो राजकीय क्रांति जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी तो राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका मित्र और शत्रु बना दिया जो उसके फेवर में थे वो मित्र हो गए जो उसके फेवर में नहीं थे वो उसके शत्रु हो गए क्वेश्चन है हमारा एक तीसरा नंबर कि किस तिथि को फ्रांस के राष्ट्र रास्ट, राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चौदह जुलाई सेवनटीन एटी नाइन जिस दिन सेवेंटींथ सॉरी फोर्टीन फोर्टीन जुलाई सेवेंटीन एटी नाइन में कब फोर्टींथ जुलाई सेवेंटीन एटी नाइन है नेपोलियन कब सम्राट बना 1804 में 1800 में, 1808 में या 1805 में 1804 सो चार पांच के करीब में बना था इसका राइट आंसर ए सही होगा अठारह चार में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बना था क्वेश्चन तैतीसवा नंबर है कि किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है लुइस चौदहवे ने लुइस सोलहवे ने नेपोलियन बोनापार्ट ने या नेपोलियन तृतीय ने इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई सिक्सटीन ने किसने तो लुई सिक्सटीन ने कहा था कि मेरी इच्छा ही क्या मेरी इच्छा ही कानून है मेरी इच्छा ही कानून किसने कहा था लुई सिक्सटीन मेरी अन्यो अंत्यो नेत कहा की राजकुमारी थी ऑस्ट्रिया की इंग्लैंड की स्पेन की रूस की तो ऑस्ट्रिया की राजधानी थी ऑस्ट्रिया के बारे में आप लोग शायद जानते होंगे नहीं जानते होंगे तो मैं बताता हूँ कि ऑस्ट्रिया वो देश है जिसकी राजधानी वियना है तो ऑस्ट्रिया से कौन कौन से देश बॉर्डर शेयर करते हैं कौन कौन से देश का बॉर्डर लगता है ये आप लोग हमको क्या कीजिएगा कमेंट में करके बताइएगा मुश्किल से दो कंट्री जिसके साथ लैंड बॉर्डर ऑस्ट्रिया शेयर करता है इसकी राजधानी क्या है ऑस्ट्रिया की वियना क्या वियना ले, लेटर्स द कोचेट क्या था लेटर्स द कोचेट पोप का पोप का आदेश, आदेश मतलब चर्च से जो आदेश निकलता था उसी को पोप का आदेश बोलते थे व्यापार करने का अधिकार पत्र या चूंगी वसूलने की अधिकार पत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा राजाज्ञा राजाज्ञा मतलब ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश राजा द्वारा दिया जाता था इसका राइट आंसर ए हो जाएगा